बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको सहरी के लिहाज से अंडों के सालन की रेसिपी बता रही हूँ। इसके लिए ये मैंने 4 अंडे लिए हैं 6 अफराद के लिए। ये इसका जो ग्रेवी और सब बनेगा तो वो 6 अफराद के लिए काफ़ी होगा। तो ये 4 अंडे हैं, उसके बाद एक छोटी प्याज है जिसको मैं फ्राई करूँगी, ये एक दरमियानी प्याज है, और एक जवा लहसुन बड़ा साइज़ का ये, या फिर अगर आपके पास पिसा हुआ लहसुन है तो आप 1/2 टीस्पून लीजिएगा। उसके बाद ये 2 टेबलस्पून भर भर के मैंने दही लिया है, ये जो ये वाला टेबलस्पून मैंने लिया है भर भर के। अच्छा, ये काफ़ी गाढ़ा था तो काफ़ी इसमें यानी कि 2 ये 3 टेबलस्पून लग रहा है, वरना तो मैंने ये 2 टेबलस्पून लिया है। अच्छा, ये दही और ये लहसुन और ये कच्ची प्याज, ये मैं एक साथ पीसूँगी। उसके बाद मैंने 1/2 टीस्पून ये पिसी लाल मिर्च है, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया है, 1/2 टीस्पून हल्दी है, और नमक भी मैंने 1/2 टीस्पून लिया है, और ये मेथी दाना भी 1/2 टीस्पून है। और ये पहले मैं जो ये जो इसमें आपको चम्मच नज़र आ रहा है, ये मैं 2 पहले टेबलस्पून डालूंगी, इसको बीट करके और फ्राई करूंगी। उसके बाद फिर मैं बाकी जो है ये तकरीबन 1/4 कप बच जाएगा, तो फिर इसकी मैं ग्रेवी बनाऊँगी। सबसे पहले आप इसमें 2 टेबलस्पून पैन में तेल डाल के इसको गर्म होने के लिए रख दीजिए, और उसके बाद फिर आप अंडों को बीट करिए, उसमें 1 पिंच नमक डाल दीजिएगा और उसको अच्छी तरह से बीट करके और इसमें ये फ्राई करने के लिए रख दें और इसे कवर कर दें, और फिर उसके बाद आँच को कम कर दें। जब ये ऊपर से भी फुल पक जाएगा तो फिर आप इसे दूसरी तरफ से ये देख लें, इस तरह से सख्त हो जाएगा, तो फिर इसे आप दूसरी तरफ से पलट दें, इस तरह से पलटने के बाद थोड़ी देर के लिए इसे सेकें। इसमें आप देख लेंगे तकरीबन जितना डाला था उतना ही तेल बचा हुआ है, और बस 1/4 कप और इसमें तेल जाएगा। उसके बाद बस इसे मीडियम हीट पे इसको सेक लीजिए और निकाल दीजिए। अब बाकी जो तेल है वो इसमें डालिए, और छोटे साइज़ की जो प्याज थी उसको इसमें फ्राई कर लीजिए। जब प्याज फ्राई हो जाएगी तो लहसुन को और प्याज जो मीडियम साइज़ की थी और दही, उसे एक साथ पीस के उसका पेस्ट बना लीजिए, और प्याज फ्राई हो जाए तो इसमें डाल के और इसे भून लीजिएगा। इसमें बाकी मसाले भी डाल दीजिएगा और सब एक साथ भून लीजिएगा। नमक जो है, नमक बिल्कुल आखिर में जब अंडे डालेंगी तो उसके बाद नमक चखिएगा। नमक और मिर्च अगर आप लोग अपने लिहाज से ज़्यादा खाते हैं तो फिर ज़्यादा कर लीजिएगा, ये सहरी के लिहाज से इतना ही नमक मिर्च इसमें सही था, क्योंकि बहुत तेज़ मिर्चें हो जाते हैं तो एसिडिटी वगैरह भी हो जाती है। उसके बाद फिर आप इसे अच्छी तरह से भून लें, और जब अच्छी तरह भून जाएगा तो इसमें 1 कप पानी डाल के और इसे कवर करके पकने के लिए रख दें। तकरीबन 15-20 मिनट ये पकेगा, ये प्याज का और मसालों का कच्चापन इसमें से ख़त्म हो जाएगा। अब इस तरह से इसके पीसेस करके, और जब ये अच्छी तरह से भुन जाएगा तो इसके पीसेस अंडे के और इस तरह से डाल दीजिए, और फिर इसको अब इसको फुल कवर नहीं करना, अब इसे 1/2 कवर करिएगा, और इसे भी आप 15 मिनट तक लाजमी पकाइएगा बिल्कुल हल्की हीट पर, ताकि अंडे और इसका फ्लेवर जो है वो मिक्स हो जाए, मसाले का और अंडे का फ्लेवर और नमक भी बैलेंस हो जाए। बस इसे पकाने के बाद अगर आपको जब आप डिश आउट करेंगी, अगर आपको हरा धनिया हरे मिर्च इसमें डालना है तो आप ऊपर से गार्निश कर लीजिएगा, वरना ये इस तरह से ही काफ़ी मज़े का इसका फ्लेवर था। और इसकी ग्रेवी भी अगर आपको थिक रखना है तो आप थोड़ा सा इसका पानी जो इसमें ग्रेवी है उसको थोड़ी सी और जला लीजिएगा, कम कर दीजिएगा तेज़ आंच पे, वरना ये इस तरह से ही थोड़ा सा पतला ही इसका रहेगा, इसकी जो सालन टाइप का जो इसकी ग्रेवी है। और इसको खाइए, और ये सहरी के लिहाज से ये पराठों के साथ ये बहुत मज़े का लगता है। और बस मुझे दुआ में याद रखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।